सानेह मैनचेस्टर में हलाक होने वालों की याद में मैनचेस्टर शहर में शमें रोशन की गई। वहां मौजूद लोगों ने हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया। तफसीलात गुलाम मुस्तफा मुगल से। सानिया अरीना मस्जिद के खुद का शमले में 22 अफराद हलाक, 120 जख्मी होने वालों के लिए टाउन हॉल के बाहर एक तजदीदी विजिल का इनकाद किया गया। इस मौके पर बरतानिया की तमाम सियासी पार्टियों के अलावा मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की और वजीर आजम टेरेसा मे ने हलाक और जख्मी होने वालों के लिए अस्पताल का दौरा किया और उनकी इयादत की। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा भी किया, जिसमे उन्होंने कहा की सिक्योरिटी के हवाले ऐसी मीडिया को ब्रीफिंग दी की दहशत गर्द अपने अजायम में कामयाब नहीं हो सकते। हम दहशत गर्द को हमारे दरमियान गलत फहमियाँ नहीं बनाने देंगे। और बाद में वजीर आजम ने जख्मी होने वाले बच्चों से मैनचेस्टर चिल्ड्रन अस्पताल में भी मुलाकात की। तजदीदी विजिल में लोगों का कहना था कि हम सानिया अरीना में हलाक होने वालों के नवाहकीन और जख्मी होने वालों के गम में बराबर के शरीक है। Is something unacceptable. हम साथ साथ इस हमले के खिलाफ आगे हैं। हमें इसमें यूनाइटेड रहने की जरूरत है और हमें ये हमारा मुल्क है, हम सब इसमें भरपूर मजम्मत करते हैं। We're all united with the victims, all the victims' families. We've set up a fund to help the victims. टाउन हॉल के बाहर हजारों अफराद ने शिरकत की। गुलाम मुस्तफा मुगल, जियो न्यूज़, मैनचेस्टर।